फैन हो, कैसा लगा इनसे मिलके? हाँ, अच्छा लगा। सजाद का कहना है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं खिलाना, चाय का एक कप पिलाएंगे तुझे, काफी है तेरे लिए। और इसकी हालत भी बहुत खराब की है। और ये भी देखो आप, ये विंडो है, मगर बाकी कहाँ है? सारी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। आप इजीली मतलब एंजॉय कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्पॉट है इस रोड पे, हर एक जगह में, बारामूला से लेकर गुलमर्ग एरिया के लिए बहुत ही जबरदस्त रोड ये बना, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये टूरिज्म से लिंक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और मेरे साथ मेरे दोस्त है, एक है जोहर भाई और राशिद भाई, हम आज तीनों जा रहे हैं ये करें गुलमर्ग, आज चलना गुलमर्ग नहीं करते हैं तो क्या चल चल चलेगा चलेगा। कहाँ जाना है अभी भी? हमें जाना है अभी भी गुलमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग। तो इनके साथ हम जा रहे हैं गुलमर्ग। इन्फॉर्मेशन सजा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी बता देना यहाँ। ये भी देखो, अब हम NH701A से जा रहे हैं, ये नई बनी है नेशनल हाईवे। तो फिलहाल हम यहाँ व्यू पॉइंट पर पहुँच गए, हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली, हम किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, फिर भी आना पड़ा इनके लिए, इन्होंने नहीं रहने दिया घर पे। तो फिलहाल हम आपको यहाँ से कुछ शॉट्स दिखाएंगे, फिर चलते हैं आगे। ये देखो कि हालत कैसी है, पूरा कोरा कोरा है यहाँ पे। व्यू पॉइंट जो बनाया गया है, मगर इसकी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। पूरा सामान लोग लेके चले गए हैं घर, इसका इसको बना दिया है हवा हवाई। अब जब कभी भी किसी जगह पे जाओगे हमारे इस कश्मीर में, आप ये सब देखोगे। देखो लिखा क्या गया है यहाँ पे, और इसकी हालत भी बहुत ख़राब की है। जितनी भी लकड़ी इसकी थी वो लेके चले गए हैं, इसको बना दिया है हवा हवाई। और ये भी देखो आप, ये विंडो है, मगर बाकी कहाँ है वो लोग ही जानते हैं, बस एक ही पीस यहाँ पे छोड़ दिया है। सजाद का कहना है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं खिलाना, चाय का एक कप पिलाएंगे तुझे, काफी है तेरे लिए। तो यह क्या मिशन है? चल तू पहुँच। यहाँ व्यू पॉइंट पे हम वेट कर रहे थे राशिद भाई के साथ, जिस आदमी ने इस रोड का काम किया है वो आ रहा है, और राशिद भाई उससे मिल रहे हैं। तो इन्हीं का वेट हम कर रहे थे, अब चलेंगे हम आगे गुलमर्ग की ओर। हमारे खाने का इंतज़ाम किया है, तो इनको आप देखिए, इन्होंने इस रोड का काम किया है 701 का। वो जा रहे हैं आगे आगे, हम जाएंगे इनके पीछे पीछे, मैं इनके साथ जा रहा हूँ जिन्होंने इस रोड का काम किया है। तो अब निकले हम यहाँ व्यू पॉइंट से, और मैं चढ़ा हसीब भाई के साथ जिन्होंने इस रोड का काम किया है। तो अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग की ओर, फिर हसीब भाई आपको इस रोड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको आप दिखा दें व्यूअर्स को, ये जो कलवट आप देख रहे हैं, ये जी जी ये जो आपने बनाए हैं, जी जी 128 बॉक्स कलवट है इसमें। अच्छा, और दो माइनर ब्रिज थे इसमें। ये रोड तो तारीफों के लायक बन ही चुकी है, क्योंकि हमने भी देखा आके यहाँ पे कि रोड बहुत अच्छी हुई है और काम भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ इस पे। स्टार्ट कब किया था आपने काम? ये हमने मार्च 2021 में। अच्छा, 21 में स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया। फिर कंप्लीट कब हुआ ये? कंप्लीट अभी ये कंप्लीट है पूरा। अच्छा अच्छा, पूरा कंप्लीट है, 00 कंप्लीट है पूरा। हम नानक भवन से, ये नानक भवन से गुलमर्ग तक, गुलमर्ग 43 किलोमीटर। काम भी बहुत अच्छे से किया है इस रोड का, और आप खुद भी देख सकते हैं कि रोड कितनी अच्छी बनाई है। और हसीब भाई बोल रहे हैं कि ये ज़मीन सिंक होती थी यहाँ पे, मतलब पूरी दब जाती थी नीचे, तो इन्होंने इस पर इतना काम किया है कि आप खुद देख सकते हो कि इसकी जो अब पहली हालत थी वो तो नहीं दिखा सकते, मगर जो प्रेजेंट है वो तो आप देख सकते हो। वो हसीब भाई बारामूला से गुलमर्ग तक कितना टाइम लगता था, जब पुरानी रोड के हिसाब से हम देखते तो कितना टाइम लगता था तब? मिनिमम कम से कम उसको लग जाते थे
ये 2 घंटे अच्छा अच्छा 2 घंटे सुबह 2 घंटे से ऊपर का उसका सफर होता था जी। लेकिन आप आज, अब आपने इस पे काम किया ना, आज कितना टाइम लगता है 12 अच्छा व्यूएस का जी। तो अगर मैं बोलता हूँ मिनिमम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे 50-60 की स्पीड में अच्छा, तो फिर भी हमें 1 घंटे से ऊपर गुलमर्ग तक नहीं लगेगा। हाँ, ये फायदा तो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, क्योंकि जब रोड खराब थी तब 2 घंटे लगते थे, तो अब आप खुद सुन रहे हो हसीब भाई से कि अब कितना टाइम लगता है। तो ये रहा चंदूसा का पूरा मार्केट। हाँ, तो चंदूसा से और एक शख्सियत हमसे जुड़ गए, इनका नाम नवीद भाई है। तो इन्होंने भी इस रोड में काफ़ी काम किया है, दिन रात हसीब भाई के साथ रहे हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब ये इस रोड का काम कर रहे थे। नवीद भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन कराओ। अस्सलाम वालेकुम। इस रोड पे हमने बड़ी मेहनत की है, एक टीम वर्क था, मिलके हमने इस रोड पे काम किया। इसमें रोड में हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस रोड पे हमें एग्जिस्टिंग पे काम करना पड़ा, वो सबसे मुश्किल काम था। एक तो रोड का भी काम करना था, दूसरे से इसी रोड पे ट्रैफिक चलाना था, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर हमने डे नाइट शिफ्ट में हमने काम किया एरिया के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रोड ये बना, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये टूरिज्म से लिंक है जी, टूरिज्म प्लस दिखाने से लिंक है ये नेशनल हाईवे। तो लोग बड़े खुश है इस प्रोजेक्ट से, इस रोड से। तो आराम ईशा बिल्कुल मजा आवा के जबरदस्त क्या है। बारामूला प्लस इसमें कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अगर उनको जाना पड़ता था गुलमर्ग बाबा ऋषि, उनको नॉर्मल से जाना पड़ता था, अब वो इजीली मतलब विद इन नो टाइम वो यहाँ से बाबा ऋषि पहुंच सकते हैं, इजीली वो यहाँ से गुलमर्ग इजीली पहुंच सकते हैं, उतना टाइम भी नहीं लगेगा उनको। और एक और यहाँ से टूरिस्ट स्पॉट है जिसको लोग बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं, वो है सन्स फॉल, और बिल्कुल इसी रोड पे पड़ता है, वो आराम से उसमें वो विजिट कर सकते हैं हमारे रोड से यहाँ। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना कम टाइम में इंसान, आप इजिली मतलब एंजॉय कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्पॉट है इस रोड पे, हर एक जगह में बारामूला से लेकर गुलमर्ग। ये जो रोड है आपको दिख रही है, इस रोड से हम आए और इसी रोड पे आपको शंसफाल का रोड भी मिलेगा। यहाँ पे शंसफाल का बोर्ड लगा है, यहाँ से जाते हैं शंसफाल की ओर। लो जी, पहुँच गए हम बाबा ऋषि, और ये रहा बाबा ऋषि, और ये आपको जो दिख रहा है ये रोड पे ही बाबा ऋषि का जो मार्केट पड़ता है। आप इनके बिग फैन हो, कैसा लगा इनसे मिलके? हाँ, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे बिग फैन, आप बात करो ना इनसे। कर ली। काफी अच्छा लगता है, अपने फैंस मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है। कंटेंट देना चाहिए इनके लिए, हम अच्छा कंटेंट कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट मिले। यहाँ पे हमारी गैंट्री लगानी है, बोर्ड अच्छा अच्छा वो यहाँ पे लोकेशन पे लगानी है, उसका माल आया ना। अच्छा 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 सही गेट पता नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे।